जय श्री कृष्ण बच्चों। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि भाई एसी जो होता है उसको क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग आरएमएस वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं, और आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस करंट क्या होता है, इसके बारे में हमने बात करी थी और डिटेल में बात करी थी। आज हम लोग जैसे डीसी का सोर्स होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कराते थे, दो डंडी बना देते थे, एक बड़ी एक छोटी, उसी तरह से एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं, कैसे दिखाते हैं इसको सर्किट के अंदर। जो एसी का सोर्स वैसे तो डायनेमो होता है या जनरेटर होता है, लेकिन इसको दिखाते ऐसे हैं, जहां से करंट इंटर करता है उसको माइनस दिखाते हैं और जहां से निकलता है उसको प्लस दिखाते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ये, लेकिन इसमें क्या है कि चूंकि वोल्टेज का डायरेक्शन लगातार बदलता रहता है तो ऐसा सही नहीं है कि, लेकिन ये मतलब हमेशा ऐसा होगा। बाकी नोटेशन ये है कि जहां से इंटर कर रहा है उसको माइनस दिखाएंगे, जहां से निकल रहा है प्लस दिखाएंगे। जब भी ऐसी सोर्स देते हैं आपको तो सोर्स के सामने वोल्टेज का इक्वेशन लिख देते हैं। तो ये सोर्स है, सोर्स के सामने वोल्टेज का इक्वेशन लिखा है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इससे जो करंट जा रहा है उसका, अगर ये साइन का फंक्शन है, वोल्टेज साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है तो करंट भी साइनोसॉइडली वेरी करेगा, तो जो करंट जा रहा है वो करंट जा रहा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो जैसे इसका फेज अगर आप एसएचएम के अंदर याद करो तो इसका फेज अगर ओमेगा टी है तो इसका फेज जो आएगा वो ओमेगा टी प्लस फाइव के बराबर आ जाएगा। अब फाइव क्या है, जितना मतलब अगर आप देखें तो इसका फेज ओमेगा टी है, इसका ओमेगा टी प्लस फाइव है, तो फाइव फेज इसके अंदर ज्यादा आ रहा है, तो फाइव वो एंगल है जितना कि करंट वोल्टेज को लीड करता है, करंट जिस एंगल से वोल्टेज को लीड करता है उसी को हम लोग फाइव कहते हैं। फाइव इज द एंगल बाय विच करंट लीड्स द वोल्टेज। ये हो गया, इस तरह से हम लोग एसी सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये कि सोर्स बनाएंगे, उसके बगल में सोर्स के वोल्टेज का इक्वेशन लिखा होगा, करंट का इक्वेशन नहीं लिखा होगा, कई बार करंट निकालना होता है, कई बार दिया रहता है। फाई यहां पर जितना एंगल करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है, ये बात हो गई। अब हम एसी सोर्स का पावर निकालने जा रहे हैं, एसी सोर्स सर्किट को जो पावर देगा वो पावर कितना देगा ये हम निकालने जा रहे हैं। करंट चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो उसके अंदर हमने बताया था कि चाहे सोर्स हो, चाहे लोड हो, चाहे एसी हो, चाहे डीसी हो, चाहे फलाना हो, चाहे धमाका हो, कोई भी हो, जो पावर होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जो पावर होता है वो होता है सर्किट का ड्रॉप इनटू सर्किट का करंट, पोटेंशियल ड्रॉप इनटू करंट, यही सर्किट का पावर होता है। दुनिया की कोई भी सर्किट है तो उसका पावर मैं आपको प्रूव करा चुका हूं, डीसी भी प्रूव कराया था, लेकिन डीसी एसी सब के लिए पावर होता है ड्रॉप इनटू करंट। तो अगर मैं यहां पर लिखूं तो जो करंट है इसका जो पावर करंट है वो इस इक्वेशन से दिया गया है आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, और वोल्टेज दिया है वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हो जाएगा। तो पावर की जो वैल्यू आएगी इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पावर आ जाएगा। तो जैसे इस कमरे के अंदर मान लो ट्यूबलाइट जल रही है तो उस ट्यूबलाइट का जो पावर होगा वो इस इक्वेशन से दिया जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, हिंदुस्तानी एसी जो होती है, इंडिया के अंदर जो एसी होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है तो यानी एक सेकंड में 50 बार 100 बार ये फंक्शन जीरो होगा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का मतलब 100 बार जीरो होगा, तो एक सेकंड में 100 बार ये जीरो होगा, 100 बार ये जीरो होगा, और अगर मान लेते हैं कि दोनों एक साथ जीरो नहीं हो रहे हैं तो कुल मिला के एक सेकंड में 200 बार पावर जीरो आना चाहिए। लेकिन हमें जो पावर मिलता है, हमें जो ट्यूबलाइट आपको नहीं दिख रही है, आपके रूम में होगी ट्यूबलाइट, उसका पावर तो हमें कॉन्स्टेंट लगता है, हमें तो लगता है कि हमें एक फिक्स पावर मिल रहा है, कोई पावर ऐसे तो नहीं कि जल बुझ रही, तो हमें एक फिक्स पावर मिल रहा है। तो ये जो पावर है ये तो इंस्टेंटेनियस है, ये बहुत तेजी से वेरी करता है, ये इतनी तेजी से वेरी करता है कि हमें इस पावर की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसी एक मौके पे जो वैल्यू है वो पता ही नहीं चल पाती, इतना तेज वेरिएशन होता है। जैसे कई बार देखो फैन बहुत तेजी से चलता है तो फैन की ब्लेड्स नहीं दिखाई पड़ती, हमारी जो ह्यूमन आईज होती है या जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं उनका अपने कैपेसिटी होती है। तो चूंकि ये पावर का वेरिएशन इतना फास्ट हो रहा है कि एक्चुअल पावर मीनिंगलेस हो जाती है, एक्चुअल में एसी की पावर किसी मौके पे कितनी है ये मीनिंगलेस हो जाती है, ऑन एन एवरेज जो हमें मिल रहा है वो पावर इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पावर तो वैसे तो यही है, लेकिन अगर हम लोग एवरेज पावर निकालें, जैसे पावर को हम इस तरह से दिखा रहे हैं, तो अगर हम इसका एवरेज दिखाएं, मान लीजिए पावर इस तरह से दिखा रहे हैं आई नॉट वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव,
मान लीजिए कि हम एवरेज पावर निकालना चाहते हैं, हमारी जो ह्यूमन आईज है वह एवरेज पावर ही सेंस करती है, वो एक्चुअल पावर ऐसा नहीं दुब दाएं लाइट जल रही है ऐसा नहीं हो रहा है, हमारी आंखें जो है वो तो एवरेज पावर ही सेंस करती है। तो एवरेज पावर जो होगा वो होगा आई नॉट वी नॉट एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा। अब अगर इस फंक्शन का मैं एवरेज निकालूं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था किसी भी फंक्शन का एवरेज होता है इंटीग्रल एफ डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, तो इंटीग्रेट करके अगर हम इसका एवरेज निकालें तो इसका जो एवरेज आता है वो आता है आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस फाइव बाई टू, ये एवरेज पावर आ जाती है एवरेज पावर। लेकिन हमारी जो आंखें होती हैं वो इसी एवरेज पावर, अब फिर इसमें एसी जो चैप्टर होता है इसके अंदर अगर आपसे कभी पावर पूछेगा तो आप पावर नहीं बताएंगे एवरेज पावर बताएंगे, मतलब यहां पर पावर जो है वो एवरेज पावर ही होती है क्योंकि एक्चुअल पावर इतनी तेजी से वेरी होती है कि वो हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाती है। तो एसी चैप्टर के अंदर, इनफैक्ट एसी क्या स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर भी अगर पावर पूछते हैं तो वो एक्चुअल पावर थोड़ी होती है, वो उसकी एवरेज पावर होती है। स्ट्रिंग वेव में भी चूंकि वेरिएशन बहुत फास्ट होता है, साउंड वेव में भी वेरिएशन बहुत फास्ट होता है, तो जो पावर हमें मिलती है वो एवरेज पावर मिलती है। तो जब भी जहां भी वेरिएशन बहुत फास्ट होगा तो वहां पर जो पावर होगी वो एक्चुअल पावर ना होकर एवरेज पावर हो जाएगी। तो खैर ये जो एवरेज पावर आ रही है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई नॉट बाई रूट टू इंटू वी नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस फाइव, लिख सकता हूं ना भाई, टू को रूट टू इंटू रूट टू लिख दिया मैंने। अब आई नॉट बाई रूट टू क्या होगा बच्चा जानता है आई आर एम एस, वी नॉट बाई रूट टू क्या होगा वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये एवरेज पावर हो जाएगी। ये फार्मूला आपको याद रखना है, जो एवरेज पावर होती है किसी भी एसी सर्किट की जो एवरेज पावर होती है वो आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव के बराबर होती है। और आपसे कुछ ना कहा जाए तो इस चैप्टर में पावर का मतलब आप एवरेज पावर ही निकालेंगे, कुछ ना बोले तो इसका मतलब पावर जो आपसे अगर मांग रहा है तो एवरेज पावर ही मांग रहा है, ठीक है। तो चलिए ये हो जाएगा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड द पावर इज एज्यूम्ड टू बी, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड द पावर इज एज्यूम्ड टू बी एवरेज पावर, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड द पावर इज एज्यूम टू बी एवरेज पावर, जब तक आपसे कहा ना जाए जो पावर होती है वह एवरेज पावर के बराबर होती है, ठीक है। अगर आपसे कहे पावर बताओ, चाहे मैं तीनों की बात बता रहा हूं स्ट्रिंग वेव साउंड वेव और एसी, तीनों के अंदर अगर आपसे पावर कहते हैं तो आप एवरेज पावर ही बताएंगे। तो एवरेज पावर जो है वो आई आर एम एस इंटू बी आर एम एस इंटू कॉस फाइव है। ये जो रिजल्ट आया इस रिजल्ट को जरा ध्यान से देखा जाए तो यहां पर ये फाइव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहा है, क्योंकि मान लो कि बहुत ज्यादा तुमने करंट भेजा, बहुत ज्यादा वोल्टेज है और 5 पाई बाई 2 हो गया, मान लो कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस पाई बाई 2 आ गया तो कॉस पाई बाई 2 तो जीरो हो जाएगा ना, तो पावर जीरो हो जाएगी। तो यहां पर ये फाइव जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, इसीलिए ये जो कॉस फाइव है इसको एक विशेष नाम से बुलाते हैं, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाइव को एक खास नाम से हम लोग बुलाते हैं और इस कॉस फाइव को हम पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं, मतलब चूंकि यही पावर डिसाइड कर रहा है, आई आर एम एस वी आर एम एस भी कर रहे हैं, लेकिन कॉस फाई जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉस फाई की वैल्यू मान ले 1 है तो पावर अच्छा खासा आ जाएगा, कॉस फाई की वैल्यू 0 है तो पावर 0 हो जाएगा, कितना भी आप आई आर एम एस वी आर एम एस बढ़ा दो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां पर कॉस फाई जो है वो पावर फैक्टर नाम से जाना जाता है, कॉस फाई जो है ये पावर फैक्टर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कॉस फाई जो है ये पावर फैक्टर के नाम से जाना जाएगा। उसके अलावा एक और बात आती है, वैसे तो देखें करंट और वोल्टेज जो होते हैं ये स्केलर क्वांटिटीज हैं, वेक्टर वगैरह नहीं होते, लेकिन एसी के अंदर हम क्या करते हैं करंट और वोल्टेज को हम लोग वेक्टर से दिखाते हैं, जैसे वोल्टेज को एक वेक्टर मान लेंगे, करंट को एक वेक्टर मान लेंगे और फाइव उनके बीच का एंगल मान लेंगे। तो एसी के अंदर करंट और वोल्टेज को हम वेक्टर दिखाते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि इस तरफ मैं दिखा रहा हूं वी आर एम एस, तो अब करंट वोल्टेज से फाई आगे है तो आई आर एम एस जो वेक्टर है मैं इस तरह से दिखाऊंगा,
करंट वोल्टेज है, चूंकि फाई आगे है तो वोल्टेज एक वेक्टर हो गया, करंट उससे फाई एंगल बना रही या फाई उससे आगे है, तो आरएमएस वेक्टर ये हो गया। तो अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो पावर करंट का एक कंपोनेंट इधर ले लूं मैं, तो अगर मैं वेक्टर मानू करंट को तो एक कंपोनेंट इधर ले लिया तो आई आर एम एस इंटू कॉस फाई हो गया, तो ये भी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई हो गया, और करंट का ये वाला जो कंपोनेंट था ये वाला आई आर एम एस इंटू साइन फाई, इसका पावर में कोई रोल नहीं है। कॉस फाई वाले फैक्टर का तो पावर में रोल है, लेकिन साइन फाई वाले का पावर में कोई रोल नहीं है, इसलिए इन्होंने एक खास नाम बुलाया आई आर एम एस इंटू साइन फाई को, आई आर एम एस इंटू साइन फाई को ये खास नाम से बुलाते हैं, इसको ये कहते हैं वॉटलेस, वॉटलेस आरएमएस करंट, वॉटलेस आरएमएस करंट माने वॉट, वॉट मतलब पावर होता है, तो चूंकि आई आरएमएस इंटू साइन फाई का पावर में कोई रोल नहीं है तो इसलिए इसको वॉटलेस आरएमएस करंट कहते हैं। ये वाला जो है ये वॉटफुल करंट हो जाएगा। हाँ, वॉटफुल क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसी के कारण ये जो कंपोनेंट है कॉस फाई वाला वही पावर के लिए जिम्मेदार है, साइन फाई वाला तो जिम्मेदार है नहीं। देखिए कॉस फाई वाला ही पावर के लिए जिम्मेदार है, साइन फाई वाला जिम्मेदार पावर के लिए नहीं है, तो ये वॉटलेस आरएमएस करंट हो जाएगा। तो आई आर एम एस साइन फाई जो है इट विल बी इक्वल टू वॉटलेस आरएमएस करंट, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पावर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान आपको रहे कि फाई का बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर, फाई जो है इसको हम लोग पावर फैक्टर के नाम से जानते हैं। जैसे एसी सोर्स देखा हमने, एसी सोर्स का पावर देखा, अब हम ये देखेंगे कि एसी सोर्स को अगर मैं एक रेजिस्टर के साथ लगा के देखूं तो क्या होगा, या एसी सोर्स को मैं कैपेसिटर के साथ लगाऊं तो क्या होगा, एसी सोर्स को मैं इंडक्टर के साथ लगाऊं तो क्या होगा, या इनके किसी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन, बस एक पैरेलल तो खैर सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है, तो लेकिन एसी सोर्स जो है उसको अगर हम सीरीज में लगाएं, या एसी सोर्स को आर और सी सीरीज में लगा दें, सी और एल सीरीज में लगा दें, आर और एल सीरीज में लगा दें, या आर एल सी पूरा सीरीज में लगा दें, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। जैसे पहले हमने बैटरी देखी थी क्या था, अब बैटरी को फिर रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर के साथ लगा लगा के देखा, तो वही सोर्स हमने देखा है, अब एसी सोर्स को हम रजिस्टर के साथ लगाने जा रहे हैं, ठीक है, एसी सोर्स विद ए रजिस्टर, किसी एसी सोर्स को एक रेजिस्टर के साथ जोड़ दिया हमने, मान लेते हैं कि ये एक एसी सोर्स है, ठीक है, एसी सोर्स ये है और ऐसे दिखाते हैं हम लोग, और इसको मैंने एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा, अभी सिर्फ रेजिस्टेंस की बात मैं कर रहा हूं, इसको मैंने एक रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा और इस सर्किट के अंदर करंट मान लेते हैं आई जा रहा है, और इस एसी सोर्स का जो इक्वेशन है वो इक्वेशन दिया है वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका वोल्टेज का इक्वेशन मुझे दिया है, मैं इसके करंट का इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं, वोल्टेज का इक्वेशन मुझे पता है, अगर मैं करंट का इक्वेशन निकालना चाहता हूं तो मुझे केवीएल लगाना पड़ेगा इसके अंदर, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो अगर मैं केवीएल लगाऊंगा तो यहां से यहां तक जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, यहां से यहां तक गए तो वोल्टेज कितना बढ़ गया वी नॉट साइन ओमेगा टी, फिर यहां से यहां तक गए तो कुछ नहीं हुआ, फिर यहां से यहां तक गए तो कितना हो जाएगा आई आर, फिर यहां पहुंच गए तो ये कितना हो जाएगा जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी हो जाएगा, ये वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी हो गया। अगर वोल्टेज ये था और मैं यहां से यहां तक केवीएल लगा दूं तो यहां से यहां तक बढ़ेगा वी नॉट साइन ओमेगा टी, फिर आई आर घट जाएगा, तो आई की वैल्यू ये आ गई। अब मैं आई को ऐसे लिख देता हूं आई इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, क्यों लिख रहा हूं मैं अभी समझा दूंगा आपको, जहां पर I नॉट की वैल्यू जो आएगी यह आ जाएगी V नॉट अपॉन R, ये V नॉट जो था ये पीक वोल्टेज था मैक्सिमम वोल्टेज था, तो अब ये V नॉट अपॉन R जो है वो I नॉट है, तो I नॉट जो है वो पीक करंट कहा जाएगा, I नॉट जो है ये पीक करंट, V नॉट पीक वोल्टेज है पहले ही बता चुका हूं, I नॉट पीक मतलब मैक्सिमम करंट है, तो इसका अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो ये इक्वेशन वोल्टेज का दिया था, करंट का मैंने लिख दिया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जीरो, यह आ जाएगा जीरो, क्यों जीरो इसलिए लिख रहा हूं कि ये बताना चाह रहा हूं कि फाई जीरो है यहां पर, इसलिए मैं जीरो लिख रहा हूं। अब ये एसी सोर्स जो है उसके वोल्टेज का इक्वेशन अगर दिया है तो करंट का इक्वेशन मैं निकाल सकता हूं, और यहां से मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूं कि एसी सोर्स के अंदर, एसी सोर्स अगर किसी रजिस्टर के अंदर लगाया जाए तो रजिस्टर के अंदर जो करंट है और रजिस्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप है दोनों सेम फेज में होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको अक्सर काम आएगी,
कि किसी भी रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप और किसी भी रजिस्टर से का से जो गुजरने वाला करंट होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं। ये बात मैं नोट भी कर देना, द वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट अक्रॉस ए रजिस्टर, वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट अक्रॉस ए रजिस्टर आर इन सेम फेज वोल्टेज ड्रॉप एंड करंट अक्रॉस ए रजिस्टर आर इन सेम फेज, वोल्टेज ड्रॉप और किसी रजिस्टर के अक्रॉस जो करंट होता है ठीक है वो सेम फेज में होते हैं, एक ही फेज में होते हैं, यानी इसका फाइ जीरो होता है। अगर फाइ जीरो होता है तो मैं सिंबल ऐसे दिखाऊंगा, मैं रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो अगर ऐसे दिखाऊंगा तो मैं करंट भी इधर ही दिखाऊंगा। कारण क्या है, दोनों सेम फेज में है, हम करंट और वोल्टेज वगैरह वैसे वेक्टर नहीं होते हैं, लेकिन अगर एक वेक्टर माने तो वोल्टेज और करंट दोनों का फेज सेम है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अब इसका पावर अगर मैं निकालू मान लेते हैं, तो पावर जो था कुछ कहा नहीं जाए तो पावर का मतलब एवरेज पावर ही होता है, तो पावर का फार्मूला क्या होता था, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई, यही पावर का फार्मूला हमने आपको बताया था। तो कॉस फाई की जो वैल्यू आएगी, फाई जीरो होगा, यहां से साफ दिख रहा है कि फाइव जीरो होगा तो कॉस जीरो वन हो जाएगा। अब ये हो गया आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, वी आर एम एस जो आएगा, वी आर एम एस की जो भी वैल्यू आएगी वो ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि आई नॉट वी नॉट अपॉन आर है, दोनों को रूट टू से मैं डिवाइड कर दूं, इसको भी रूट टू से, इसको भी रूट टू से, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन आर। अगर मैं दोनों को रूट टू से डिवाइड कर दूं तो आई आर एम एस जो है वी आर एम एस अपन आर के बराबर हो जाएगा, तो ये आई आर एम एस हो गया, और वी आर एम एस की जगह मैं लिख सकता हूं आई आर एम एस इंटू आर, कॉस जीरो वन ही हो जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। तो अगर कोई एसी सोर्स के साथ रजिस्टर लगाया जाए तो रजिस्टर का जो पावर होगा वो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर के बराबर हो जाएगा, रजिस्टर से गुजरने वाला जो पावर है वो आई आर एम एस इंटू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर के बराबर हो जाता है। अब आई आर एम एस का महत्व तो यहां से आप समझ सकते हैं, आई आर एम एस का क्या इंपॉर्टेंस है इस चीज को यहां से आप विजुअलाइज कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं, मान लो एसी वैसी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आप ये सोचो कि अगर डीसी करंट जा रहा है कोई, तो किसी भी रजिस्टर का पावर कितना होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। अगर कोई डीसी सर्किट है तो रजिस्टर का पावर होता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो अगर मान लो कि एसी करंट भले जा रहा है, लेकिन अगर मैं करंट को आई आर एम एस मान लू, करंट को मैं आई आर एम एस अज्यूम कर लू, तो पावर कितना, पावर तो वही आएगा जो आना चाहिए। यानी कि किसी भी एसी सर्किट को, एसी कोई सर्किट है उसमें करंट भले वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन अगर एसी सर्किट का करंट आई आर एम एस के बराबर आप मान लोगे तो पावर का जो एक्सप्रेशन आएगा एकदम डीसी सर्किट मान करके आ जाएगा। यानी आई आर एम एस जो है मतलब एक तरह से समझो कि ऐसा करंट है जो सर्किट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाला करंट है, तो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण करंट हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरा एसी डीसी और ये पूरा पढ़ने का अल्टीमेटली पर्पस क्या था, अगर तुम सोचो दिमाग दौड़ाओ कि भाई एक तो फिजिक्स में पर्पस ये होता है नंबर लाना, दूसरा अल्टीमेट पर्पस क्या था इसको पढ़ने का, ये सारी चीजें पढ़ने का जो अल्टीमेट पर्पस था वो ये था, जो जिसलिए इंजीनियर या साइंटिस्ट पढ़ते हैं कि हमारे घर में जो मीटर लगा है बिजली का बिल कम आए, अल्टीमेट पर्पस यही होता है। ये सारी पढ़ाई इसीलिए है क्योंकि हम एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर पाए, एक्चुअल जो अल्टीमेट उसका अंतिम उद्देश्य है वो यही है कि हम एनर्जी को ऑप्टिमाइज कर पाए। तो इस सर्किट का जो पावर है वो तो इस इक्वेशन से दिया जा रहा है, यानी पावर को आई आर एम एस बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई आर एम एस अपने आप में एक बहुत मतलब जैसे कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि आप तो डीसी एसी वैसी भूल जाओ, आप तो मान लो कि करंट आई आर एम एस है तो मीटर की जो रीडिंग है वो सही बताएगा, क्योंकि जो पावर कंजम्पशन होता है वो तो इस रेट के हिसाब से हो रहा है, तो पावर जो आएगा वो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर के बराबर हो जाएगा। तो किसी का भी पावर जो होता है या जो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन होता है एसी सर्किट में वो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर के बराबर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिए, और ज्यादा काम की बात है। एक सवाल यह बनता है कि जो डीसी एमीटर होता है, डीसी नापने का जो एमीटर होता है, क्या वो एसी को नाप पाएगा? ठीक है, ये डीसी नापने का जो एमीटर था
ये एसी को नाप पाएगा कि नहीं नाप पाएगा। इसमें से करंट इधर से जाता था तो डिफ्लेक्शन हो जाता था। सोचिए जरा कि डीसी इंस्ट्रूमेंट्स क्या जो होते हैं वो एसी को नाप पाएंगे कि नहीं नाप पाएंगे, सोचिए जरा, फिर मैं जवाब देता हूं। तो डीसी इंस्ट्रूमेंट जो है वो एसी को नहीं नाप पाएंगे। कारण क्या है कि एसी में करंट जो है वो एक सेकंड में 100 बार अपना डायरेक्शन बदलता है, एक सेकंड में 100 बार आगे जाएगा 100 बार पीछे जाएगा, ठीक है। तो अगर 100 बार अपना डायरेक्शन बदल रहा है एक सेकंड में करंट, तो अब जैसे मान लो ये डीसी मीटर है, करंट इधर जाएगा तो इसकी निडिल आगे बढ़ जाएगी, फिर करंट पीछे जाएगा तो निडिल इधर आ जाएगी। अब एक सेकंड में 100 बार करंट आगे पीछे हो रहा है तो ये निडिल जो है इतनी प्रॉम्प्ट थोड़ी होगी कि एक सेकंड में 100 बार आगे पीछे कर ले, तो कुल मिला के निडिल कंफ्यूज टाइप की हो जाएगी और वहीं पे पड़ी रहेगी, इसमें कोई डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। भाई जो करंट जब डीसी में आप याद करो कि करंट जब इधर से जाता था तो निडिल ऐसे चली जाती थी, करंट इधर से आता था तो निडिल ऐसी हो जाती थी। अब एक ही सेकंड में वो करंट 100 बार आगे पीछे हो रहा है, तो 100 बार आगे पीछे हो रहा है तो ये निडिल तो कंफ्यूज हो जाएगी, इसको समझ में नहीं आएगा आगे जाऊं कि पीछे जाऊं, तो चुपचाप खड़ी रहेगी ऐसे बिल्कुल विराम, ठीक है। तो ये जो निडिल है ये बिल्कुल मूव नहीं करेगी। तो जो एसी इंस्ट्रूमेंट्स, जो डीसी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो एसी को मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि उसके दो कारण है, एक निडिल का इनर्शिया, इनर्शिया के कारण ये जल्दी जल्दी आगे पीछे नहीं हो पाती, और दूसरा एसी की फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से वो बहुत तेजी से आगे पीछे डिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस बात को मैं नोट डाल के लिख भी दे रहा हूं, इसको नोट करेंगे सब लोग, डीसी इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट मेजर the AC due to inertia and frequency. DC instruments cannot measure the AC due to inertia and frequency. DC instruments जो है वो AC को measure नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डीसी इंस्ट्रूमेंट्स कैन नॉट मेजर द एसी ड्यू टू इनर्शिया एंड फ्रीक्वेंसी। इनर्शिया और फ्रीक्वेंसी की वजह से डीसी इंस्ट्रूमेंट्स एसी को मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब फिर ये सवाल पैदा हुआ कि भाई ठीक है डीसी एसी को नहीं नाप पाएगा, कोई बात नहीं, तो एसी को नापा कैसे जाए, किस तरह से एसी को हम लोग मेजर करें। तो एसी को मेजर करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि भाई देखो करंट आगे जाए चाहे करंट पीछे जाए, जो हीट पैदा होगी वो तो होगी ही ना, आई स्क्वायर आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर तो रहेगा ही, करंट आगे जाए चाहे पीछे जाए हीट दोनों केस में पैदा हो रही है। तो एसी को नापने के लिए जो क्या करते हैं, जो हीट पैदा होती है ना उस हीट को मेजर कर लेते हैं और उसके हिसाब से कैलिब्रेट करके करंट की वैल्यू को निकालते हैं। इसीलिए एसी को नापने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम लोग हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि गर्म तार, मतलब तार गर्म हो जाता है और वो जो गर्मी होती है उसी गर्मी को मेजर करके करंट की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो डीसी इंस्ट्रूमेंट्स एसी को मेजर नहीं कर सकते, और एसी को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट जो है, द इंस्ट्रूमेंट्स मेजर एसी, द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर एसी आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। द इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर एसी आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर एसी आर कॉल्ड हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स। एसी को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको हम लोग हॉट वायर या गर्म तार के तंतु कहते हैं, ठीक है, जिनसे कि एसी को मेजर किया जा सके। तो एसी सोर्स को जैसे रेजिस्टेंस के साथ लगा के देखा, वैसे एसी सोर्स को हम कैपेसिटर के साथ लगा के देखते हैं, सिंगल कैपेसिटर के साथ अभी लगाएंगे, फिर बाद में और चीजें जोड़ेंगे इसमें। तो जैसे सपोज करिए कि ये कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के साथ एक हमने एसी सोर्स जोड़ दिया, और एसी सोर्स जो है उसके वोल्टेज का जो इक्वेशन है, एसी सोर्स के वोल्टेज का इक्वेशन है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये इसके वोल्टेज का इक्वेशन है, और इसका कैपेसिटेंस C के बराबर है, करंट ऐसे जा रहा है, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो अब जैसे इसका वोल्टेज आपको दे दिया गया है, अब वोल्टेज दे दिया गया तो बैटरी, जैसे बैटरी लगाते थे डीसी सोर्स में, वोल्टेज दे दिया, कैपेसिटेंस दे दिया तो करंट निकाला जाता था। तो मैं इसका करंट मान लेता हूं, करंट आई जो है ये बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा मैंने एज्यूम कर लिया। ना मुझे आई नॉट पता है ना मुझे फाइव पता है, तो मैंने मान लिया कि भाई इसका करंट जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये वोल्टेज दिया गया है, करंट मुझे पता लगाना है।
तो अब जैसे इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा है मान लो, तो इस कैपेसिटर पे एक बार चार्ज मैंने यहाँ क्यू मान लेता हूँ, मैं यहाँ माइनस क्यू मान लेता हूँ, और इस पूरे सर्किट के लिए मैं केवीएल लगाता हूँ। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो वोल्टेज वी बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा क्यू बाई सी कम हो जाएगा, ये जीरो के बराबर होगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी इंटू वी, और वी की जगह कितना हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये क्यू की वैल्यू आ गई। अब मुझे चार्ज इस कैपेसिटर पे नहीं, मुझे इस सर्किट का करंट निकालना है, तो अगर मुझे करंट निकालना है तो आई की वैल्यू कितनी आती है डी क्यू बाई डी टी, आई डी क्यू बाई डी टी के बराबर होगा, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये सी वी नॉट, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, जो करंट आएगा वो सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। इसी को मेरा मन कर रहा है इस तरह लिखने का, V नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। देखिए भाई, कॉस थीटा को मैं साइन थीटा प्लस पाई बाई टू लिख सकता हूं, और ये जो C ओमेगा था इसको मैं नीचे ले गया तो दो स्टेप नीचे जाएगा, तो ये V नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखें तो जो करंट की वैल्यू है, अब देखें ये करंट की वैल्यू किसके बराबर है, ये करंट की वैल्यू है V नॉट अपॉन वन अपॉन ओमेगा सी साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये हो जाएगा। अब हम इसको आगे लिखें तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई वी नॉट अपॉन एक्स सी, एक्स सी अभी मैं बता रहा हूं क्या है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, जहां पर ये जो xc वन अपॉन ओमेगा सी था उसकी जगह मैंने xc कर दिया, xc वन अपॉन ओमेगा सी है। अभी क्या है ये xc, मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज सब सिखाऊंगा आपको, पहले आप रिजल्ट देखते जाए। तो i इज इक्वल हो गया v नॉट अपॉन xc साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टी, इसी को मैं कह सकता हूं i इज इक्वल टू i नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसा लिख सकता हूं, जहां पर i नॉट जो आएगा आ जाएगा v नॉट अपॉन xc, I नॉट जो है वो भी नॉट अपॉन एक्स आ जाएगा। तो अगर कैपेसिटर का पोटेंशियल V नॉट साइन ओमेगा टी है तो इसका जो करंट आएगा वो आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहां से एक बात तो बिल्कुल जो साफ साफ दिख रही है, बिल्कुल ऑब्वियस से दिख रही है, और जिसका एसी के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो ये है कि कैपेसिटर का जो करंट होता है वो कैपेसिटर के वोल्टेज से पाई बाई टू लीड करता है। एक बात जो एकदम क्लियर यहां पे दिख रही है वो ये है कि कैपेसिटर का करंट कैपेसिटर के वोल्टेज से पाई बाई टू लीड करता है, जो भी इसके अंदर करंट होगा वो वोल्टेज से पाई बाई टू लीड जाएगा। तो अब इस चीज को मैं लिखने जा रहा हूं, वोल्टेज करंट अक्रॉस द कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू। कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उससे पाई बाई टू लीड करता है, करंट अक्रॉस द कैपेसिटर लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, ठीक है, तो पाई बाई टू से लीड कर जाता है, करंट जो होगा वोल्टेज से पाई बाई टू लीड कर जाएगा, एक बात। दूसरा, यहां पर ये XC क्या है, एक्सी जो मैंने लिखा हुआ है वन अपॉन ओमेगा सी, इसको हम एक विशेष नाम से बुलाते हैं, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, इसका नाम है रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर, और एक्सी का यूनिट जो है वो ओम है, यहां से रुझान मिलेगा एक्सी के बारे में, यूनिट ऑफ एक्सी इज ओम। और थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे डीसी सर्किट आपने पढ़ा था करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज अपॉन आई बराबर वी अपॉन आर होता था, तो यहां पर आई नॉट कितना आ रहा है, वी नॉट अपॉन एक्सी, एक्सी जितना ज्यादा आएगा करंट उतना कम होगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये जो एक्सी है ये एक्सी
एसी सर्किट में रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जितना ज्यादा एक्ससी की वैल्यू आएगी, यहां से देखें आई नॉट है वी नॉट, करंट मतलब एक्ससी जितना ज्यादा आएगा आई नॉट उतना कम आएगा, तो जैसे वहां पे देखें आप रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते थे करंट कम होता जाता था डीसी में, तो उसी तरह से अगर यहां आप रिएक्टेंस बढ़ाएंगे, एक्ससी जो है वो रिएक्टेंस है, तो अगर आप रिएक्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे तो करंट कम होता जाएगा, तो एक्ससी जो है वो रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर कहा जाता है और इसका यूनिट ओम होता है, और ये काम भी इसका ओम का ही रेजिस्टेंस का ही होता है। डीसी सर्किट में जो काम रेजिस्टेंस किया करता है, एसी सर्किट में वही काम रिएक्टेंस किया करता है, ठीक है, एनालॉगस कहते हैं। रेजिस्टेंस और डीसी में जो रेजिस्टेंस काम करता था, एसी में वही रिएक्टेंस, देखें वो भी है ना, आई बराबर वी अपन आर, ठीक है, आई नॉट वी नॉट अपन एक्सी, एक्सी का यूनिट भी ओम आ गया, और काम भी ये रेजिस्टेंस का ही करता है, जितना ज्यादा रिएक्टेंस होगा सर्किट का उतना कम जो है वो करंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे नोट डाल के लिख देता हूं, रिएक्टेंस इज एनालॉगस टू द रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का एनालॉगस होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जितना मैंने बताया इसके अंदर, एक तो भाई एक्सी क्या है, वन अपॉन ओमेगा सी है, एक्सी की जो वैल्यू है वन अपॉन ओमेगा सी है, ये बात इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि जो करंट होता है कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट होता है वो वोल्टेज से पाई बाई टू लीड करता है। यहां से कुछ और बातें इंपॉर्टेंट निकलती हैं काम की, जो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, नोट आपने कर ही लिया होगा पॉज करके, ये मैं मान रहा हूं। तो एक बात यहां से निकलती है कि भाई करंट वोल्टेज से पाई बाई टू लीड कर रहा है, तो अगर करंट वोल्टेज से पाई बाई टू लीड कर रहा है तो उस कंडीशन में जरा देखें, करंट वोल्टेज अगर मैं इधर दिखा रहा हूं तो करंट पाई बाई टू लीड कर रहा है, तो करंट मुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, करंट ऐसे दिखाना पड़ेगा, तो इसका जो पावर होता है वो कितना होता है, आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस फाई, फाई कितना है भाई इसका, फाई पाई बाई टू आ रहा है, कॉस पाई बाई टू कितना होगा, जीरो, हो जाएगा आई नॉट इंटू वी नॉट इंटू कॉस पाई बाई टू, यानी कि जीरो, यानी कि जो एसी सर्किट है उसके अंदर जो कैपेसिटर होता है वो पावर कंज्यूम करता ही नहीं, नेट पावर कंज्यूम कैपेसिटर जीरो करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें करंट वोल्टेज से पाई बाई टू लीड कर रहा है, पावर फैक्टर जीरो हो जाएगा, पावर फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका जो पावर है वो जीरो हो जाएगा। तो एसी सर्किट में जो कैपेसिटर होता है वो एसी सर्किट से पावर ड्रॉ ही नहीं करता है, इसीलिए एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कैपेसिटर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि इससे एनर्जी का लॉस नहीं होता है। रेजिस्टर लगा दोगे तो आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर के बराबर एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो रेजिस्टर तो हमेशा एनर्जी का लॉस करता है, लेकिन एसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर जो है वो एनर्जी नहीं, मतलब करता तो होगा लेकिन जितना कंज्यूम करता होगा उतना वापस कर देता होगा, साइकिल चलती है ना, तो जितनी एनर्जी सर्किट से ले रहा है उतना वापस कर दे रहा होगा, तो मीटर की रीडिंग नहीं आ रही होगी, बिजली का बिल नहीं आएगा, तो इसीलिए एसी सर्किट के अंदर बार बार कैपेसिटर का इस्तेमाल भी हम लोग करते हैं। उसका पर्पज यही है कि ये पावर जो नेट पावर जो कंज्यूम करता है वो जीरो होता है, तो इस बात को मैं लिख भी दे रहा हूं, नेट पावर कंज्यूम्ड बाय नेट पावर कंज्यूम बाय कैपेसिटर इन एसी सर्किट जीरो, ठीक है, एसी सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर नेट पावर कंज्यूम करता है वो जीरो के बराबर होता है, नेट पावर कंज्यूम बाय द कैपेसिटर इन एसी सर्किट इज जीरो, ठीक है। तो एसी सोर्स को मैंने रेजिस्टेंस के साथ लगा के देख लिया, एसी सोर्स को मैंने कैपेसिटेंस के साथ लगा दिया, अब एसी सोर्स को हम एक इंडक्टर के साथ लगा के देखते हैं कि इंडक्टर के साथ हम एसी सर्किट को लगाएंगे, एसी सोर्स को लगाएंगे तो ये कैसे बिहेव करेगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस एल है, इसके साथ मैंने एक एसी सोर्स को लगा दिया और करंट इसके अंदर आई जा रहा है, और जहां से करंट इंटर करता है उसको माइनस बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं, और जो एसी सोर्स है उसका इक्वेशन है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, सोर्स का जो इक्वेशन है वो V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। हमारा टारगेट क्या है भाई, हमने आपको बैटरी दे दी, ठीक है, बैटरी दे दी आपको, एलिमेंट दे दिया, तो जैसे इसके अंदर वोल्टेज हमें पता है तो करंट हमें निकालना है, करंट हमें निकालना, हमें पता नहीं कितना करंट है, तो इसका करंट निकालने के लिए हम ऐसे इक्वेशन लिखेंगे, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव,
ना पता है मुझे आई नॉट कितना है, ना पता है मुझे फाई, मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है, आई नॉट और फाई की वैल्यू निकाल लेना, आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी और फाई की वैल्यू कितनी होगी, यही मेरा टारगेट है, अल्टीमेट टारगेट है आई नॉट और फाई की वैल्यू का कैलकुलेशन। ठीक है, तो अब देखिए मैं आई नॉट और फाई का कैलकुलेशन करने जा रहा हूं। मैंने मान लिया इस सर्किट से करंट आई जा रहा है और यहां से करंट इंटर कराए तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये जो लूप है इसमें मैं केवीएल लगा देता हूं, यहां से यहां तक जाऊंगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा भैया, वी नॉट साइन ओमेगा टी, फिर यहां से यहां तक जाऊंगा तो घट जाएगा, कितना घट जाएगा, एल डी आई बाई डी टी, हम लोग जानते हैं इंडक्टर में ये ड्रॉप होता है, ये जीरो के बराबर हो जाएगा, ये जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम ये क्लेम कर सकते हैं कि डी आई इज इक्वल टू V नॉट अपॉन L साइन ऑफ ओमेगा T dt, ये क्लेम कर सकते हैं। हमें ये नहीं पता है कि इनिशियल करंट कितना है, इनिशियल करंट अगर हमें नहीं पता है तो इंटीग्रेट करने में तो लिमिट की जरूरत पड़ती है, तो इनिशियल करंट अगर हमें पता होता तब तो हम विद लिमिट कर देते, तो चूंकि इनिशियल करंट नहीं पता है तो हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे बिना लिमिट के, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें कॉन्स्टेंट आ जाता है, तो हमें इनिशियल करंट नहीं पता है तो डी आई की वैल्यू ये आ गई V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा T। अब उसके बाद इसका मैं इंटीग्रेशन जब करूंगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट वाला नहीं क्योंकि लिमिट नहीं पता है, तो जब मैं इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करूंगा तो I की जो वैल्यू आएगी, I ये बराबर हो जाएगा, अच्छा साइन ओमेगा T का, साइन ओमेगा T dt का जो इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन ओमेगा आ जाएगा, साइन के एक्स में वन अपॉन के हो जाता है, तो ये हो जाएगा V नॉट अपॉन ओमेगा L, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मेहनत का फल तो मीठा होता है। ठीक है, तो आई इज इक्वल हो गया वी नॉट अपॉन ओमेगा ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, सी की वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन को एवरेज आउट कर देते हैं। हमने एवरेज ऑफ आई ले लिया, एवरेज ऑफ आई इज इक्वल हो जाएगा वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी, यहां माइनस है, प्लस एवरेज ऑफ सी। ध्यान से देखें भाई, एसी सर्किट है तो करंट एसी सर्किट की पहचान ही है कि करंट आगे जा रहा हो पीछे जा रहा होगा, आगे पीछे, तो एवरेज करंट तो जीरो ही होगा, जितनी पॉजिटिव साइकिल बनेगी उतनी नेगेटिव साइकिल बनेगी, तो एवरेज करंट जीरो होगा। कॉस थीटा का जो फंक्शन होता है उसकी एवरेज वैल्यू भी जीरो आती है, कॉस थीटा या साइन थीटा का जो फंक्शन होता है जितनी पॉजिटिव साइकिल होंगी उतनी नेगेटिव साइकिल, तो इसका भी एवरेज वैल्यू जीरो आएगी, इसकी भी जीरो आएगी। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट जो है उसकी एवरेज वैल्यू भी जीरो आ गई, इसका मतलब कॉन्स्टेंट खुद जीरो होगा, तभी तो उसकी एवरेज वैल्यू जीरो आ रही है, तो ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो हो गया तो आई बराबर हो जाएगा माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई माइनस अंदर ले गया मैं, माइनस इसके अंदर ले जाऊंगा तो पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई की जगह, और फिर मैं आई को ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, जहां पर एक्सएल क्या है, एक्सएल ये ओमेगा एल के बराबर है, एक्स एल जो है ये ओमेगा एल के बराबर है, और तो मैंने यहां जो ओमेगा एल था उसकी जगह एक्स एल कर दिया। अब मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट बन गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये आ गया। तो आई नॉट की वैल्यू हमें पता चल गई, आई नॉट कितना आ रहा था, आई नॉट आ रहा है वी नॉट अपॉन एक्स एल, तो I नॉट जो है V नॉट अपॉन XL के बराबर हो गया, और ये ओमेगा T माइनस पाई बाई टू हो गया। ये XL क्या होगा, इसका नाम क्या होगा बताओ, उसी तर्ज पे जैसे कैपेसिटर में नाम रखा था उसी तर्ज पे हम इसका नाम भी रख सकते हैं, इसका नाम होगा रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर या इंडक्टिव रिएक्टेंस, कुछ भी बोल दें, XL इज रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर।
इसका भी यूनिट जो है वो ओम ही होगा। आप ध्यान से देखें, आई बराबर वी अपन आर से चल रहा है, तो इसका जो यूनिट है वो भी ओम होगा, और रिएक्टेंस तो रिएक्टेंस ही है, तो वो तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ही करेगा। और आई नॉट जो होगा वो वी नॉट अपन एक्सएल के बराबर होगा, जितना ज्यादा एक्सएल होगा आई नॉट की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। जो सबसे ज्यादा काम की बात है, जो सवालों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी बात, वो ये वाली बात इस्तेमाल होगी। ये जो बात है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी कि इंडक्टर के अंदर जो करंट होता है वो वोल्टेज से पाई बाई टू कितना क्या होता है, आगे के पीछे पीछे होता है। इंडक्टर के अंदर जो करंट होता है, देखें तो यहां माइनस पाई बाई टू आ गया ना, तो वोल्टेज से पाई बाई टू लैग करता है। तो ये बात मैं नोट डाल के लिख रहा हूं, काम की बात है, सब लोग इसे याद करेंगे। द करंट अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर lags the voltage by pi by 2 the current across the inductor lags the voltage by pi by 2 voltage से pi by 2 lag करता है, voltage से pi by 2 पीछे होता है जो इसके अंदर current होता है। ठीक है, अब इसमें भी भाई जैसे power अगर हम देखें, इसका power अगर हम निकाले हैं, तो इसमें भी देखो फाई की वैल्यू माइनस पाई बाई टू है, पहले कैपेसिटर में पाई बाई टू था, तो ये फाई यहां माइनस पाई बाई टू है, तो अगर हम पावर निकालें इसका, तो पावर तो यही आएगा भाई वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस माइनस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू हो चाहे कॉस माइनस पाई बाई टू हो, दोनों ही जीरो होते हैं, तो पावर जीरो हो जाएगा। तो इंडक्टर भी एसी सर्किट से कोई पावर ड्रॉ नहीं करता है, बिजली की बचत करता है और मीटर की रीडिंग नहीं बढ़ाता है। इसीलिए आप देखें तो एसी सर्किट के अंदर हम लोग रेजिस्टर से हमेशा बचते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि इंडक्टर या कैपेसिटर से काम चलाएं एसी सर्किट के अंदर। तो इंडक्टर जो पावर, नेट पावर जो ड्रॉ करता है वो जीरो होता है। तो ये बात मैं नोट करके नोट डाउन कर रहा हूं, द नेट पावर ड्रॉन by the inductor, net power drawn by the inductor from AC source is zero. AC source से जो net power inductor draw करता है वो zero के बराबर हो जाता है। और इसके अंदर जैसे वो हम लोग वो diagram बनाते हैं ना phasor वाला जिसके अंदर हम current voltage दिखाते हैं, तो इंडक्टर में जैसे मान लीजिए कि हम वोल्टेज अगर ऐसे दिखा रहे हैं तो फिर करंट को ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि करंट उससे पीछे आ रहा है ना, करंट पीछे है वोल्टेज आगे है, तो अगर हम वोल्टेज को इस तरह दिखा रहे हैं तो करंट इस तरह दिखाएंगे। और इंडक्टर का जो ड्रॉप होता है, इंडक्टर में जो करंट है उसका ड्रॉप वोल्टेज के ड्रॉप से पाई बाई टू पीछे होता है।